कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जो नॉन लोकल मजदूरों के ऊपर हमले हुए हैं और उनको मौत के घाट उतारा गया आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद का आज आप नज़ारा जम्मू रेलवे स्टेशन का देख सकते हैं। सैकड़ों के करीब जो मजदूर हैं वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, अपना सारा सामान समेटे हुए, अपने कामों को आधा छोड़ के जो जीविका की तलाश में जम्मू कश्मीर आए थे, खास करके कश्मीर संभाग में काम कर रहे थे। डर का माहौल है और काफ़ी संजीदा लोग लग रहे हैं, काफ़ी गमसीन है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने साथियों को खोया है और कुछ लोग से डर से वापस जा रहे हैं और उम्मीद बहुत कम है कि दोबारा आके कश्मीर में काम करेंगे, क्योंकि जो जिहादियों का एजेंडा है, जो जिहादी जो अपने एजेंडे में कामयाब होते दिख रहे हैं, वो इसका एक सबूत है कि आज जम्मू रेलवे स्टेशन भरा हुआ है। ये कोई टूरिस्ट सीज़न नहीं है, कोई लोग यहाँ पे पर्यटक के लिए नहीं आ रहे, सैर करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि अपने घरों को वापस जा रहे हैं और पूरे अपने सामानों के साथ आप इन्हें देख पा रहे हैं। जी हम श्रीनगर में काम कर रहे थे, पटरी लगाते थे और पटरी नहीं लगाने देता था, कभी माल इधर बेच देता था, कभी उधर भाग देता, बोलता भाग जा बिहारी ने काट के बेच देंगे। जब पटरी लगाते थे एक दो घंटा बेचते थे, इधर बेच देता, इधर मॉक्स वगैरह हम बेचते थे और खिलौना वगैरह हम दिल्ली से लाते थे, दिल्ली से लाते थे। एक बार है ना पटरी पूरी हमारे सामने बेच करके बोलता भाग जा बिहारी, यहाँ धंधा नहीं करने देंगे हम। मोदी जी ये बोलता था इसलिए कि 370 हटाने के बाद मोदी जी ने बोला कंची ऐसा काम नहीं क्यों होने देंगे, जब भाग जा बिहारी तुम। नहीं आपको बोलता कौन था? वही बोलता था पटरी लगाने वाला, वहाँ का कश्मीरी लोग। अच्छा जी, कश्मीरी लोग आपको तंग करते थे? जी बहुत तंग करता था। आप वहाँ से आप चले आए? जी भाग करके हम यहाँ कर रहे हैं सर। कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे 5 दिन हो गया सर, ऐसे घूम करके बेच रहे हैं। यहाँ का माहौल ठीक है सर, स्टेशन का यहाँ कौन सा? जम्मू स्टेशन। जम्मू स्टेशन पे काम कर रहे हैं सर। तो कश्मीर में इस तरह नहीं आज़ादी कर सकते? जी नहीं जी, आज़ादी कर सकते हैं क्यों नहीं, आज़ादी तो सभी को मिलना चाहिए सर। ऐसा बात नहीं कि इंडिया में कोनो जगह जाओ तो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ ऐसे क्या हो रहा है सर? अभी जैसे बिहारी मर रहे हैं या और लोगों को मारा जा रहा है, तो उससे क्या माहौल बना? माहौल मोदी जी से यही करते हैं, कृपा करते हैं कि वहाँ का सुरक्षा दो बिहारी का, और नीतीश सरकार को भी कहते हैं जितने बिहारी का है वहाँ सुरक्षा दो और वहाँ पटरी लगाने के लिए अलग व्यवस्था दो वहाँ पे। हम लाल चौक पे रहते थे सर। अच्छा, ये सैकड़ों लोग जो वापस आए हैं तो इनका क्या आपसे बात हुई होगी, क्या बोल रहे हैं? बात हुई है तो कुछ आदमी काम करके जा रहा है, कुछ डर के मारे जा रहा है, कुछ अति करके जा रहा है। कश्मीर में माहौल है अभी जाने वाला? जी नहीं, माहौल नहीं है जाने वाला, हम खुद उधर से भाग के आए हैं। हमने 3-4 भाई वहाँ करता, चचेरा भाई बोला कंजीत आप जाइए हम बाद में जाएंगे, बोला ठीक है तुम जाओ हम रहेंगे, यहाँ रूम लेके रहते हैं जी। कश्मीर में 370 के बाद माहौल खराब? माहौल बहुत खराब है सर। एक बार बोला कौन चीज, बोला सर क्या हिंदुस्तान भागो, हिंदुस्तान वाला भागो तुम बिहारी साला, बोला हमारे बाजार से तुम खरीद करके बेचता, हम दिल्ली से माल लाए थे 30,000 का माल लाए थे सर, ये मॉक्स वगैरह लाए, खिलौना वगैरह लाए थे, कुछ खिलौना वहाँ दे दिए, कुछ हम इधर ले आए बेच दिया वो पूरा खिलौना सर। अब क्या संदेश देंगे अपने बिहारी भाइयों को, यूपी भाइयों को, क्या करें, कश्मीर जाएं? कश्मीर जाए वहाँ बोला नीतीश सरकार वहाँ फैक्ट्री खोलेगा, कुछ भी नहीं खोला, और जितने बिहारी आधा तो बिहारी वहीं रहे, हर जगह बिहारी फैला हुआ है, पंजाब कश्मीर दिल्ली पंजाब जम्मू उधर, हम कन्याकुमारी मद्रास तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हर जगह हम घूमते थे, कपड़ा पहले लगाते थे, पहले हमें 30-40-50 को बंदा चलता था, और ये है तो कोरोना के कारण हम गिर गए बैलेंस में, इसलिए हमको मजबूरी पड़ गया, हम निकल रहे हैं दूसरे जगह जा रहे हैं जी सर। कश्मीर की तारीफ
नमस्कार। हमारे साथ रियाउल हक है, कश्मीर से जो वापस आए हैं और बिहार वापस जा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम तो नदी से रेत निकालने का काम करते थे, अभी हम घर चले आए। हमारे बहुत सारे भाई लोग अभी उधर हैं, तो हमारे जो गांव के बहुत सारे लोग थे सुफियान में, तो करीब 20-25 लड़के थे, हमारे भाई चाचे के भाई भी थे। तो उनको पता लगा कि पुलिस वाले करंट रिटर्न लिया है, जो इस डर के माहौल में वो लोग भी सोच समझ के चले गए कि कहीं हम लोगों को भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन लोगों को उठा कर लेके गए। तो बातचीत हुआ तो पता लगा कि इसी डर के माहौल के कारण से लेके गए हैं कि कहीं बिहारी को मार दे, क्या हम लोग कहीं हमारा भी बारे ना हो, कोई संजोग से मार देगा तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं, इसलिए चले गए। उसे तो हम लोग पहले से ज़्यादा बना के रखे थे कि हम लोग चले जाएंगे घर। तो उन भाई लोगों का भी कहना था कि हम लोग एक महीने के बाद आएंगे, लेकिन उन लोगों का इसी माहौल में उठा कर लेके गए। अब पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ, अभी दोबारा बातचीत नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो कश्मीर में फिलहाल के लिए अभी तो डर का माहौल है। हमारे जो रेत निकालने वाले बंदे भी थे, उन लोगों को भी लेके गया है। कुछ बंदे अभी डेरे पर भी हैं, कुछ बंदे को उठा के लेके गए हैं। तो उन लोगों को भी बताया गया है कि उन लोग बाहर ना जाएं, फिलहाल के लिए इधर उधर ना घूमें, जो अपना राशन पानी है वो लेके अपने डेरे पर ही रहे। तो फिलहाल के लिए डर के माहौल है, जो भागना चाह रहा है कि हम लोग निकल जाएंगे। तो मार्केट से अभी वो कह रहे हैं कि पैसे भी नहीं मिलते हैं, कि मार्केट बंद हो चुका है, बैंक भी बंद है, इस कारण से उन लोगों को भी रोक रखा है आने का। अभी गुंजाइश नहीं दे रहा है कि नहीं अभी पैसे छोड़ के भी आना नहीं चाहते, कि भाई पैसे इतने मेहनत से कमाए हैं तो कुछ पैसे लेके जाएंगे। इस वजह से वो लोग रुके हुए हैं, अब कब तक रुकते हैं वो भी जाने। फिलहाल के लिए हम लोग तो बस आ गए, हम लोग 15 बंदे थे वहाँ पर, 15 बंदे वापस आ गए। कितने कितने लोग कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? हम वहाँ पे फिलहाल के लिए हमने 3 महीना हो गया था जाना, वहाँ पे 3 महीने हुए थे काम करने, 3 महीना काम किया हम घर वापस जा। पहले जो माहौल था वो ठीक था? पहले माहौल तो ठीक था, पहले हम जिस टाइम गए थे उस टाइम माहौल ठीक था, उसके बाद से धीरे धीरे माहौल खराब हुआ। अब इस माहौल को अब सरकारी कानून के हिसाब से अब ठीक करना चाहिए। नहीं फिलहाल हम लोगों को तो ऐसा कोई डराया धमकाया नहीं। तो जहाँ पे हम काम करते थे उन लोगों का कहना था कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम है टेंशन मतलब, बाकी जो गलत करता है तो गलत ही होता है सब, लेकिन टेंशन मत लेना अगर हम तुम्हारे साथ में है अगर कोई गलत। लेकिन जो जितने लोग आप कोई सैकड़ों के गरीब लोग आए हैं, ये सारे डर की वजह से वहाँ नहीं, ये लोग तो डर के मारे नहीं आए। जो फिलहाल के लिए जहाँ पे ऐसा माहौल हुआ है उन लोगों को तो डर है, उन लोगों का भी डर का माहौल वहाँ पे बना हुआ। हम लोग जिस एरिया में थे उस एरिया में तो ऐसा डर का माहौल नहीं था, लेकिन हमारे भाई लोग जिस एरिया में थे उस एरिया में गोलीबारी हुआ है, वहाँ पे डर का माहौल ज़्यादा है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी घर निकल जाएं। अब क्या संदेश देंगे भारत सरकार को, नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार को हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो बिहारी का जो दिक्कत होता है कश्मीर में, उस माहौल में बिहारियों के लिए कुछ सुविधा करें, कश्मीर में भी कुछ बातचीत करें। और बिहारी लोग इतना बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बिहार में भी कुछ ऐसा सुविधा होना चाहिए, जो बिहारी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाए, हमारे एरिया में कुछ काम रोजगार करें और यहाँ पे 10 रुपये कमाए खाएं, बाहर जाने की इतना ज़रूरत ना पड़े। तो बाहर जाके जैसे अभी डर का माहौल बना या पिछले साल कोरोना का माहौल बना था, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बाहर करने में दिक्कत इस बात की आती है, जैसे कि हम काम किए, अब काम करने के बाद हमको पैसे पूरा नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं पैसे तो हमारा वो डूब जाते हैं। जैसे हमने पूरा महीने का काम किया, पैसे मिलते नहीं हैं, अचानक हमको छोड़ के जाना पड़ता है, इस वजह से हम लोगों को पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। यही प्रॉब्लम होता है अपने एरिया में होगा, इस समाधान का समस्या निकल जाएगा कि हम पैसे मिल नहीं पाते। बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल जी हैं, जो बिहार से हैं और कश्मीर में लोगों के घर बनाते थे, वो घर वापस जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी आप कितनी देर से कश्मीर में थे? हमें सर हो गया, मार्च में हम लोग आए थे, ये 17 महीना सर हो गया, तो 7 महीने हो गया, तब हम लोग रिटर्न घर जाए।
तो जो अभी पिछले दिनों में वहाँ पे खबरें आई हैं कि बाहर के जो मजदूर हैं या कोई जाने वाला उनको मारा गया है, तो उससे क्या माहौल बना है जो लोग काम कर रहे हैं? सर, जिसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, मैं तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, मैं दूसरा जगह था, मुझे पता चला है जो वहाँ पे घटना हुआ है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन फिर भी माहौल कैसा है? काफ़ी आप देख रहे हैं स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जी जी, टेम्पो में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं। जी जी, लोग जब ऐसा घटना होता है तो लोग को तो डर होता है, जान को प्यारी होता है। अब मान लो लोग सोचते हैं जो ऐसे ऐसे घटना हो रहा है मेरे साथ भी हो सकता है, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ सर, हम लोग तो सही सलामत से हैं। तो सामान जितना है तो आप सारा समेट के जा रहे हैं? जी जी जी। तो दोबारा आने की है उम्मीद भी? हाँ, अगले साल आएंगे हम लोग, 9 मार्च में हम लोग फिर रिटर्न जाते हैं। तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं घटना हुआ, हम लोगों के सही सलामत पैसे उसे सब रिटर्न दे दिया, जहाँ जहाँ काम सब सही सलामत पैसे दे दिया। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा, जहाँ पे सैकड़ों के करीब जो मजदूर हैं वो जमा हुए हैं और वापस आ रहे हैं। भीड़ यहाँ पे है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो कश्मीर के डर के माहौल में वापस जा रहे हैं, मीठी मीठी यादें लेके और कश्मीर की सौगात सेब लेके इस उम्मीद में कि माहौल दोबारा ठीक होगा और वो दोबारा आएंगे। सरकार से उम्मीद है कि जल्दी से इस आतंक से अंकुश लगाए ताकि लोग शांति और आज़ादी के साथ अपनी जीविका कमा सकें। रणजीत सिंह के साथ योगेश शुक्ला। आर्मी वाला कभी नहीं करे वाला।